करने वाले हैं, सोलर पैनल है हमारे पास। तो ये सोलर पैनल दो टाइप का आता है, मोनोक्रिस्टल पॉलीक्रिस्टल। अभी हमारे पास जो सोलर पैनल पॉलीक्रिस्टल कंपनी का है, पॉलीक्रिस्टल टाइप का है, और हमारे पास एक बैटरी है, और हमारे पास इन्वर्टर है, और हमारे पास सोलर है। और लोड के लिए हमने क्या रखा है दिखा दो, ये हमने लोड के लिए बल्ब लगा रखा है। तो किस प्रकार को इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। इस सोलर से जो तार निकल के आएगा वो कहाँ पे जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप बता देते हैं, ये हमारे पास सुकैम कंपनी का सोलर पैनल है, और इसकी वाट की बात करें दोस्तों, तो वाट ये 150 वाट का है। यहाँ पर पीछे वाट लिखा रहता है, आ जाओ सामने आ जाओ, चलो देख लो इधर। इधर जो हमारा पावर, ये टोटल जो वाट है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्सिमम वाट 150 वाट का पैनल है, और यहाँ पर जो वोल्टेज देगा हमको 21 वोल्ट निकाल के देगा, ठीक है। और ये इसकी वारंटी की बात करें दोस्तों, ये 25 साल तक की कंपनी की वारंटी होती है, टूटने फूटने की कोई वारंटी नहीं होती है। और प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये 150 वाट का है। प्राइस का मतलब है कि हमें जो सोलर पैनल अभी इस समय जो मार्केट में चल रहा है, 40 रुपये पर वाट चल रहा है। तो 40 रुपये पर वाट के हिसाब से अगर 150 वाट का अगर आपको पैनल लेना है, 40 × 150 करेंगे कितना आएगा, 15×64 यानी 6000 रुपये का ये हमारा पास सोलर पैनल अभी है, ठीक है। चलिए इसको इसको हम लोग ऐसे कर रख देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास बैटरी। बैटरी दोस्तों लेड एसिड बैटरी है, और ये लगभग 32 एम्पेयर की बैटरी है। आप लोड के अकॉर्डिंग बैटरी को डिसाइड कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर का बैटरी हमको चाहिए। तो और ये हमारे पास एक इन्वर्टर है, यहाँ आप देख लीजिए, ये इन्वर्टर है जो कि लगभग 800 VA का है। इसी इन्वर्टर से इस लोड को हमको चलाना है। तो पूरा आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्शन किस प्रकार होता है वो चला बताएंगे। या छोटा सिस्टम या बड़ा सिस्टम, कनेक्शन करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, यही तरीका है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि सोलर सिस्टम दो टाइप का लगता है, एक ऑन ग्रिड होता है और एक ऑफ ग्रिड होता है। तो अभी जो हम लोग सोलर लगा रहे हैं, कौन सा ग्रिड है, ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड? ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड क्यों बोला गया? इसमें बैटरी इंस्टॉलेशन किया, इसमें दोस्तों बैटरी इंस्टॉलेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ ग्रिड। जिसमें बैटरी नहीं लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ऑन ग्रिड बोलेंगे। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि आप खुद अपना पैसा लगाइए, खुद बिजली बनाइए और खुद यूज करिए, लेकिन ऑन ग्रिड में ऐसा नहीं होता है। ऑन ग्रिड में क्या होता है, आपने पैसा लगाया, आपकी जो बिजली बनी आपने यूज किया, लेकिन जो एक्स्ट्रा बिजली बचती है वो हम कहाँ दे देते हैं, ग्रिड में भेज देते हैं, यानी उसी रास्ते से हम लोग ग्रिड भेज देते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन को करते हैं। कनेक्शन करने के लिए आ जाओ इधर पास आ जाओ। कनेक्शन करने के लिए सोलर पैनल के पीछे तार में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह देखिए दो तार हैं, यहाँ पे देखिए एक प्लस है, यहाँ पे एक प्लस है, और इधर एक हमारा माइनस है। तो प्लस वाले में हमने रेड तार लगा दिया, माइनस वाले में हमने रेड तार लगा दिया। अब हमारे पास ये सोलर पैनल का, ये हमारे पास क्या पैनल से निकल के हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास चार्जर कंट्रोलर है, सोलर चार्जर कंट्रोलर बोलते हैं। इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये एम्पियर के हिसाब से अकॉर्डिंग आता है, यानी 10 एम्पियर का लेंगे तो लगभग आपका 1000 रुपये के आसपास आएगा। इसका काम क्या होता है, जो भी हमारा वोल्टेज आता है कम ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। यानी हमारी जो बैटरी है, लेड एसिड जो बैटरी है, इसमें 10 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ से ये 10 वोल्ट ही निकाल के देगा, 8 और 10 7 वोल्ट नहीं देगा, ठीक है। चलिए इसको कनेक्ट करने के लिए इसमें देख लीजिए कुछ फीचर दिए रहते हैं, पहले देख लीजिए। आप भी जब कंट्रोलर खरीदेंगे तो यहाँ दिख रहा है एक सोलर दिया हुआ है जी सर, यहाँ पे सोलर का टाइप का दिया हुआ है, प्लस माइनस लग जाएगा, सोलर का तार लग जाएगा, यहाँ प्लस माइनस यानी बैटरी का, यानी दो तार आएगा सोलर सिस्टम में आएगा, दो तार निकल कहाँ पर जाएगा, बैटरी में, ठीक है। बाकी यहाँ पर डीसी के चीज दिए हुए हैं, यहाँ पर बल्ब दिया हुआ है, ये फैन दिया हुआ है, यहाँ बल्ब दिया, ये डीसी सब कुछ चलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम सोलर पैनल से निकाल कहाँ लगाएंगे हम लोग तार को, यहाँ पे लगाएंगे, लगाओ ये, रुक रुक एक मिनट रुक। अभी हम लोग क्या कर दिए हैं, ये हमने प्लस माइनस कंट्रोलर में लाया, और ये हमने प्लस माइनस को कहाँ ले जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग बैटरी में ले जाएंगे कहाँ, प्लस और माइनस में। सेम इसी तरह जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कनेक्शन सेम इसी तरह होता है, बस उसमें क्या होता है, क्वांटिटी और सोलर पैनल का जो वाटेज होता है बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार दिखा दो, यहाँ पर हमने, यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लस माइनस हमने सोलर को दिया है, और यहाँ से प्लस माइनस हम लोग निकाल के ये बैटरी पे ले जाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ चिन्ह दिया हुआ है, प्लस वाला हम लोग प्लस पे लगाएंगे और माइनस वाला हम लोग माइनस पे लगाएंगे। तो प्लस वाला हम लोग इस तरह प्लस में लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, और माइनस वाला जो तार है हम लोग यहाँ पर लगा देंगे,
ये हमने लगा दिया, यानी हमारा यहाँ तक का जो सिस्टम है, यानी यहाँ पे जो सोलर है, सोलर से हमने चार्जर कंट्रोलर मिलाया, वहाँ से लाने के बाद हमने बैटरी मिलाया। अभी हमको क्या लोड चलाना है, लोड क्यों चलाना है, जो हमारे पास जो लोड है ये एसी लोड है, इसको चलाना है, तो उसके लिए हमने एक इन्वर्टर यहाँ पर यूज किया है, देख लीजिए थोड़ा दूर हो जाओ, यहाँ हमने एक इन्वर्टर यूज किया है। तो इन्वर्टर प्लस माइनस क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस को यहाँ पे लगाएंगे, तो चलो लगा दो प्लस माइनस, तो प्लस वाला रेड वाला हम लोग क्या करेंगे रेड पे लगाएंगे, और माइनस वाला हम लोग क्या करेंगे दोस्तों माइनस में लगाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह हम लोग क्या करेंगे माइनस में लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ हमने माइनस में लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ यूपीएस ऑन हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे ये देख लीजिए सोलर पैनल से निकल के कंट्रोलर में आया, कंट्रोलर से निकल के हमारा यहाँ इस बैटरी में गया, बैटरी से निकल के हमने ये दो तार बैटरी को जोड़ दिया है। अभी क्या करते हैं देखते हैं यूपीएस हमारा ऑन हुआ या नहीं हुआ, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। एक मिनट रोक लो, हो गया चालू, लगाओ पहले एक बार चेक कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है वो जो हमारा सोलर चार्ज पैनल से करंट आ रहा है बैटरी में जा रहा है, बैटरी बिल्कुल चार्ज है नहीं, ठीक है। बैटरी हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक लोड लगा दिया है, और हम भी क्या करते हैं कि लोड को अभी हम लोग चालू करते हैं, यहाँ स्विच ऑन करते हैं, हमारा जो लोड होगा वो जलेगा। अभी जो हमारे पास जो बैटरी है दोस्तों ये अभी डिस्चार्ज कंडीशन में, ये चार्ज नहीं है, अभी ये चल के बंद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पास आ जाओ, ध्यान देखिएगा, ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा, तो ये देख लीजिए यहाँ पर देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हमारा जो लोड है हमने यहाँ कोई कनेक्शन नहीं जोड़ रखा है, दूर दिखा दो, यहाँ आसपास कोई भी ऐसा तार नहीं है, जो है कि सूरज की रोशनी से ही हमारा क्या है चल रहा है, यानी सूरज की रोशनी से हमारा चार्ज हुआ, ये हमारा चार्ज हो रहा है और डायरेक्ट सप्लाई हमारा ये चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या इसको हम ऑन कर सकते हैं, यानी इनका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा एसी बल्ब है क्या हम सोलर पैनल से चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? तो चलिए डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि क्या सोलर पैनल से चलता है या नहीं चलता है, पैनल पलटू, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो होता है बहुत सारे मन में रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए, हमने डीसी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर हमने डीसी को यहाँ का डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी हमारे पास लोड का दो तार है, प्लस माइनस, और आप लगाइए इसमें, देखिए चलता है या नहीं चलता है, तो प्लस में और माइनस में लगाइए, चलिए लगाइए, ये हमारा एसी करंट है, एक हमारा इधर लगाइए और एक हम लोग यहाँ लगाते हैं, देख लीजिए यहाँ लगाने पर भी हमारा यहाँ पर लगाने पर भी नहीं चल रहा है, बाइक पकड़ो, यानी यहाँ प्लस वाला प्लस में लगा रहे हैं, माइनस वाला माइनस में लगा रहे हैं, तो यानी हमारा नहीं चल रहा है। ये दोस्तों क्यों नहीं चल रहा है, उसका एक रीजन है कि हमारे पास जो डीसी ये पैनल सप्लाई दे रहा है ये डीसी वोल्ट जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है डीसी वोल्ट, और हमारे पास बल्ब जो है क्या है ये एसी बल्ब है, ठीक है, इसीलिए हमारा ये नहीं चल रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन किसी मन में कोई और क्वेश्चन है आप बताइए, सब बैटरी क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि इनका कहने में जो सोलर पैनल है हमारे पास, इस सोलर पैनल से इस इन्वर्टर को जोड़ के लोड चला सकते हैं, यानी बैटरी को क्या करना है, बैटरी को क्या करना है हटा देना है। तो चलिए उसको भी हम लोग क्या करते हैं करके देख लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बैटरी को हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर को हम लोग इसमें लगाएंगे, सोलर पैनल में लगाएंगे और देखते हैं हमारा इन्वर्टर ऑन होता है या नहीं होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर करो रुक लगी, हो गया चलो। दोस्तों हमने क्या किया है यहाँ पे, जैसे एक प्लस वाला तार हमने रेड में जोड़ दिया है, माइनस वाला हमने माइनस में जोड़ दिया है, इसको हम लोग चलते हैं कहाँ लगाते हैं, सोलर पैनल पे लगाते हैं। तो प्लस वाला हमारा इधर है, ये प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, उसको हम लोग टच कर देते हैं, टच करने के बाद देखते हैं कि हमारा यूपीएस चलता है या नहीं चलता है। तो अभी देखिए अच्छे टच करो, अभी देखिए ओवरलोड का शो कर रहा है, यानी अभी सही से लग नहीं रहा है। हमने क्या किया है कि ये प्लस वाला तार प्लस में माइनस वाला माइनस तार लगा के हमने इन्वर्टर को चलते हैं ऑन करते हैं, देखते हैं कि हमारा इन्वर्टर ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ आप दिखा दो,
ये हमारे इन्वर्टर के सारे फंक्शन हैं। अब इन्वर्टर को हम लोग क्या करेंगे, ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देख लीजिए ओवरलोड का इंडिकेट कर रहा है और कभी कभी बैटरी लो का इंडिकेट कर रहा है, यानी यूपीएस सिस्टम हमारा नहीं ऑन हो रहा है। यानी इसको चलाने के लिए, इस पैनल से कोई लोड को चलाने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी डायरेक्ट हमारी सप्लाई इससे नहीं चल सकती है। तो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्ट दोस्तों, ये हमारा पूरा सिस्टम था, सामने करो, ये हमारा पूरा सिस्टम था। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोग मन में कोई क्वेश्चन है इसको लेके आप लोग बता दीजिए, ठीक है। बाकी ये पूरा सिस्टम कितने का मार्केट में परचेस होता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि एक सामान्य घर में जो लोड होता है, फैन हो गया, पंखा हो गया, लाइट, टीवी, एलईडी टीवी, कितने वाट का सोलर पैनल लगाना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।